अस्सलाम वालेकुम, आप हैं बागबानी चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक वेजिटेबल के सीड्स लगाने जा रहे हैं। देखिए, ये आप सब लोगों को पता ही होगा, सब लोग अपने अपने घरों में लगाते ही होंगे। ये करेले के बीज है दोस्तों, आज हम इन्हें लगाने जा रहे हैं और मैं बताऊंगी कि इन्हें कैसे लगाना है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हम बाज़ार से करेले लेके आते हैं, उसके बीज हम निकाल के लगा सकते हैं क्या, या फिर हमने बहुत सारे करेले के बीज डाले लेकिन उसमें से प्लांट ही नहीं निकला। तो इसकी एक ही बात है दोस्तों, सारे करेलों के बीज में से प्लांट नहीं आता है। ये जो पके हुए करेले जो होते हैं, हम बाज़ार से लाते हैं, वो कुछ दिन हम रख देंगे तो इस तरह से कुछ पक जाते हैं, कुछ ख़राब भी हो जाते हैं। जो इस तरह से पके हुए करेले के जो इस तरह से रेड वाले बीज होते हैं, उसी में से ही प्लांट आता है दोस्तों, वरना सारे करेलों में उसके बीज से प्लांट नहीं निकलता है। तो आप देख लीजिए, जो पका हुआ करेला हो, जो उसके लिए इस तरह से रेड कलर के सीड्स आपको नज़र आएंगे तो इसी सीड से प्लांट निकलेगा, वरना नहीं दोस्तों। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, हम आज ये करेले के बीज लगा लेते हैं। ये देखिए, मैंने धोने के लिए इसको पानी में डाल के रखा हुआ है और ये पॉटिंग मिक्स भी मैंने बहुत अच्छी तरह से बनाई हुई है दोस्तों। ये देखिए, ये मेरी गार्डन साइल है, बहुत ही नरम वाली गार्डन साइल है दोस्तों। ये मेरे गार्डन में ऐसी ही साइल है, बहुत ही नरम, इसमें सैंड भी मिक्स है तो हम इसको डायरेक्टली इसी तरह यूज़ करते रहते हैं। और मैंने इसमें क्या किया है दोस्तों, ये एक हमारे घरों में जो आटा आता है उसी का कवर है दोस्तों। मैंने सोचा कि इसको क्यों वेस्ट करें, बहुत सारे कवर्स ऐसे हमारे घरों में निकलते रहते हैं हम आटा जो लाते हैं, तो इसी कवर से हम इसमें मिट्टी भर के प्लांट लगा लेंगे तो करेले की बेल जो आती है वो कुछ दिनों में करेले भी आ जाते हैं, और उसके बाद करेले हम निकालने के बाद वो बेल वैसे ही सूख जाती है दोस्तों। तो जब तक इसका सर्कल चलता रहेगा तब तक तो ये कवर हमें यूज़ आ ही जाएगा। उसके बाद इस कवर से ये मिट्टी ले लेंगे, कवर अगर ये ख़राब भी हो गया तो भी कोई बात नहीं है। तो हम इस तरह से अपने घरों में जो वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको भी हम इस तरह से वेजिटेबल्स लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया है दोस्तों, नीचे की तरफ थोड़ी मिट्टी ले ली है, इसमें नीचे की तरफ मैंने होल्स किया हुआ है ताकि हमारा ड्रेन पानी जो है वो चला जाए, और नीचे की तरफ यहाँ तक मैंने मिट्टी से फिल किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ तक मैंने अपनी जो किचन की वेस्ट जो होती है, दो तीन दिन की वेस्ट थी, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अच्छी तरह से फैला दिया है दोस्तों। और उसके बाद ऊपर इतनी सारी मिट्टी मैंने इसमें भर ली है। ये ऐसे मैंने क्यों किया है, डायरेक्टली मैंने किचन वेस्ट क्यों ले लिया है, ताकि हम अभी बीज लगाएंगे, कुछ दिनों में बीज उसके प्लांट्स निकल आएंगे और वो प्लांट बड़ा होगा, तब तक के लिए तो ये हमारा जो किचन वेस्ट है मिट्टी के बीच में, दो मिट्टियों के बीच में दबा हुआ है, तो वो जल्दी जल्दी खाद में तब्दील हो जाएगा और वही खाद हमारे प्लांट को मिलेगी, उसके जड़ों को खाद मिलेगी, तो जो प्लांट है वो बहुत हेल्दी आएगा और जो इसके फ्रूट है वो भी बहुत ही हेल्दी आएंगे दोस्तों। इसीलिए मैंने इस तरह से किया हुआ है, आप भी करके देखिए। मैंने बहुत सारे मेरे पॉट्स में ये सारा काम किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं दोस्तों, आप भी कीजिए। और इसके बाद हम देखिए छोटे छोटे इस तरह से होल कर लेंगे और जो हमारे ये बीज हैं इनको अच्छे से धो लेंगे इस तरह से, और एक होल में मैं दो दो डाल दूंगी और इस तरह से, बस कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में इस तरह से होल किया और ये दो बीज ले लिए, बस हमने इस तरह से डाल दिया और इसको बंद कर देना है। इसी में मैं आठ बीज लगा रही हूँ दोस्तों, तो
जब ये प्लांट निकलेंगे तो मैं कहीं ऊपर की तरफ इन्हें, जो ये बेल जो आती है, मैं ऊपर की तरफ फैला दूंगी और इसके फ्रूट्स आने लगेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने चारों तरफ डाल दिया है और मेरी मिट्टी भी बहुत गीली है, बारिशें हो रही हैं तो हम इसको ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हम थोड़ा पानी दे देंगे इसको, बस काफ़ी होगा। और इसको हम कुछ दिन छांव में रख देंगे, उसके बाद जहाँ पे अच्छी धूप आती हो वहाँ रख देंगे। तो ये 8 दिन में इसके प्लांट निकल आएंगे और जैसे जैसे ये प्लांट बढ़ता जाएगा, 1-2 महीने में इसके फ्रूट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों मैं इसकी अपडेट भी आपको देती रहूँगी। तो इस बार आप बाज़ार जाएँ तो करेले लेके आएँ, बस 1-2 करेले वैसे ही छोड़ दीजिए फ्रिज में, तो वो कुछ दिनों में इस तरह से रेड वाले बीज उसमें निकल आएंगे, तो वो आप लगा लेंगे तो उससे आपके प्लांट्स निकल आएंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, वेजिटेबल्स में बहुत आसानी से आने वाला यही एक प्लांट है, आप ज़रूर लगाइए और उसके फ्रूट्स पाइए। इसी तरह से आप नए नए प्लांट्स लगाते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए। और आपको जो भी पूछना हो, आपको क्वेश्चन करना हो, ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।